हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजा मॉनिटर चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डिजिटल पर्ची के बारे में। आप मोबाइल में कैसे डिजिटल पर्ची बना सकते हैं, दुकान, शॉपिंग मॉल या फिर बाजार जाने से पहले आप सामानों का डिजिटल लिस्ट कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल में। हम में से सभी कोई बाजार या फिर शॉपिंग मॉल वगैरह जाने से पहले कागज पर्ची जरूर से बना लेते हैं कौन कौन सा सामान लाना है। तो दोस्तों, ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, कागज कलम की अब जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप मोबाइल से भी डिजिटल नोट, डिजिटल पर्ची बना सकते हैं। तो दोस्तों, जानेंगे हम आज इस वीडियो में कि आप कैसे अपने मोबाइल से डिजिटल पर्ची, डिजिटल नोट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सिंपली आपके मोबाइल पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा जिसका नाम है नोट्स। अब दोस्तों, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है लेकिन इसका यूजर्स हर किसी को नहीं पता होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप बहुत तरीके का पर्ची, नोट वगैरह बना सकते हैं। मेरा ऑलरेडी बहुत सारा बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा था, मैंने भी बाजार वगैरह जाने से पहले यहाँ पर लिखा था, जैसे मुझे क्या क्या लाना है, आयोडेक्स, भिक्स, कथा, कॉफ़ी, इस तरीके का आप बना सकते हैं। कि कैसे इसको बनाएंगे, उसके लिए आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करने को दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों, आप अगर बाजार जा रहे हैं तो जैसे पोटैटो, ऑनियन, आपको क्लॉट्स वगैरह लेना है तो आप यहां से क्लॉट लिख सकते हैं। और दोस्तों, आपको और भी अगर कुछ लेना है जैसे क्लॉट्स वगैरह के बाद आपको यहां पर और भी बहुत से तरीके का सामान हो सकते हैं। बाज़ार आप जाते हैं अपने ज़रूरत के सामान लेने के लिए, तो दोस्तों यहां से आप इसको डिजिटली बना सकते हैं अपने पर्ची को। तो दोस्तों, यहां से आप जैसे पर्ची को बना लेंगे तो उसके बाद यहां पर आपको और भी स्टाइल बना सकते हैं इसको। इसको आप देख सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज हो जाता है, इस तरीके का आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तरह तरीके का डिज़ाइन है, इस तरीके से आप रख सकते हैं और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। फिर से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जैसे कोई सामान अगर आपको छूट गया, जैसे टोमेटो अगर आप लिख लेंगे तो यहाँ पर वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी सामान हो सकता है, आप अगर शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं तो दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, लैपटॉप, आप कुछ भी ख़रीदने जा रहे हैं तो इस तरीके से आप उसके लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आपको लिखने के बाद जो जो ज़रूरत का सामान है उसको आप यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे तो ये नोट सेव हो चुका है। अब बैक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका है। आप अगर होम पर मिनिमाइज करके इसको कट भी कर देंगे, फिर नोट्स को ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, आप जब दुकान, बाज़ार या फिर शॉपिंग मॉल जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर सिंपली नोट को ओपन कीजिए इस एप्लीकेशन को और यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, आपको अपना सामान का लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल में डिजिटल नोट बना सकते हैं, डिजिटल पर्ची बना सकते हैं। कागज़ कलम का ज़रूरत नहीं है, ये सेव रहता है आपके मोबाइल पर। अगर आप चाहें तो इसको प्ले स्टोर होम स्क्रीन कर सकते हैं, जिससे आपको ये ऐड टू होम स्क्रीन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही देखने को मिल जाएगा। सिंगल क्लिक में आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप मोबाइल पर जैसे इस पर आएंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोट, आपका पर्ची यहाँ पर रेडी आपको दिखेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नोट एप्लीकेशन लगभग हर मोबाइल में इंस्टॉल रहता है, आइकन का लोगो थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन सभी में ये एक ही तरीका काम करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। मैं इस चैनल पर रोजाना एंड्रॉइड एप्लीकेशन से रिलेटेड, एंड्रॉइड टिप्स, एंड्रॉइड सेटिंग्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।